कहाँ से हैं आप? राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान राजस्थान में अब चुनाव होने वाले हैं इस साल, क्या लगता है आप वहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने काम किया वहाँ पर? अच्छा, युवा हैं, युवाओं को नौकरी का कुछ है वहाँ पर प्रावधान का? सर अभी तक कुछ नहीं है सर, वही है एग्जाम एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, वही बात है सर। फर्जीवाड़ा हो रहा कह रहे हैं, वो तो हो रहे हैं सर, बिल्कुल हो रहा है। बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं, एक घंटा नहीं होता एग्जाम करते करते बीच में पता चलता है कैंसिल हो गया। एक दो बार नहीं हुआ, बहुत बार हो गया ये चीज़। वापसी कर पाएंगे वहाँ पर कांग्रेस? लगता नहीं है सर, क्योंकि इस हिसाब से जिस हिसाब से बच्चों का करियर खराब हो रहा है ना, उस हिसाब से नहीं लगता। युवा लोग तो भड़के हुए हैं पूरे, क्योंकि बच्चे जो दो दो तीन तीन साल से तैयारी करते हैं पर उनका होता नहीं कुछ नहीं। इस बार जो बजट पेश किया गया है उसमें बहुत सारा मतलब ना किया गया कि नौकरी लेकर आएंगे, किया गया ना, क्योंकि उससे पहले रेट का एग्जाम कैंसिल हो गया था ना, उसकी बात को छुपाने के लिए किया गया ना वो। तो मतलब एक तरीके से ये है कि प्रॉब्लम ये है सर कि सब कुछ स्कैम हो रहा है, ठीक है, स्कैम हो रहा है सर, क्योंकि ना तो ना तो युवा बढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं और कर रहे हैं, उसमें वो स्टॉप हो रहे हैं, बार बार स्टॉप। लोग साहब तो दावा कर रहे हैं कि हम तो आने वाले हैं काम के बेस पर, काम इतना कर दिया हम लोगों ने सर, काम काम क्या देखते हैं आप, बेरोजगार है, इतने हद से ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है सर, ऊपर से एग्ज़ाम पूरे हो नहीं रहे, जिसके वैकेंसी निकालते हैं उसके, जैसे मान लो एक साल में 5 वैकेंसियाँ निकाली, उसमें 4 तो कैंसिल हो जाती है, एक सक्सेसफुल होती है, वो भी होती है पता नहीं क्या कितने साल बाद उसके लिस्ट में नाम आता है बच्चे का, तब तक तो बच्चा लग गया तैयारी करके कोई और जॉब लग चुका होता है प्राइवेट जॉब। वहीं कांग्रेस तो ये भी दावा करती है कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर में नौकरियाँ चली गई, वो तो मतलब सर वो चली गई, वो पहले की थी ना, उनकी ज्वाइनिंग आई है वो तो दो तीन तीन साल पहले की थी, जिनकी सिलेक्शन हुआ और लिस्ट में नाम नहीं आ रहा था, बच्चे कई तो तैयारी करके प्राइवेट जॉब लग गए, कई है जो ठीक है वेट कर रहे थे जो आ गया उनका नाम, वो ज्वाइनिंग हुई है उनकी। कांग्रेस का ऑप्शन क्या है वहाँ पर? कांग्रेस का ऑप्शन नहीं है सर, हमारे तो देखो मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो वोट देता नहीं कांग्रेस को, सीधी सी बात है, मैं तो चाहता नहीं कांग्रेस सरकार आए, क्योंकि जो कैरियर खराब हो रहा है बच्चों का, हमारे खुद का ही हो रहा है यार। देखो हम एग्ज़ाम देते हैं, कितने कितने एग्ज़ाम दें ये बताओ, राजस्थान प्रेस का दो तीन बार एग्ज़ाम दे दिया, हर बार सर दो बार होता है, ठीक है एक बार होता है दो बार होता है, लेकिन बार बार अगर वही चीज़ हो रही है नहीं हो रही है ना, तो उससे डिप्रेशन पे फर्क पड़ता है सर। ऑप्शन क्या देखते हैं वहाँ पर राजस्थान के अंदर में? नहीं सर कांग्रेस नहीं आने वाली, भाजपा वहाँ पर, आम आदमी पार्टी भी जोर लगा रही है इस बार, नहीं आएगी, शोर है चोर कैसे शोर है शोर शोर बीजेपी बिल्कुल मुद्दे पर आ रही बीजेपी वहाँ पर, इतना काम भी इतना करवाया ना, और बीजेपी थी ना पहले, तब ये जो कैंसिल जो एग्ज़ाम कैंसिल होना ये जो है ना ये सिस्टम नहीं होता था, वैकेंसियाँ जितनी निकलती थी वो सक्सेसफुली होती थी, पर इतना नहीं हो रहा अभी फिलहाल। मेन मुद्दा वहाँ का जो है तो बेरोजगारी है, बेरोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को, वही है, अगर वो हल हो जाए तो इस साल के अंदर अंदर चल ही रहा है फिर तो बहुत अच्छा चल रहा है, फिर तो कांग्रेस सरकार आनी चाहिए अगर वो हल करती है तो, वरना ओपीएस का मुद्दा लेकर आ रहे हैं वो तो सर क्या बता, वो सही है वहाँ पर अगर ओपीएस का मुद्दा लेकर आते हैं राजस्थान के अंदर में, वो लेकर आए ही हैं वो कह रहे हैं कि हम देंगे, तो कहीं कहीं लगता है कि वोट बैंक उनकी तरफ जाएगी फिर सर? अगर देंगे, अगर कोई लग रहा है जॉब लग रहा है अच्छी जॉब लग रहा है तो उन्हीं की तरफ जाएंगे ना, ठीक है। गाँव की जो मेन प्रॉब्लम यही है कि बेरोजगारी, ठीक है अगर बेरोजगारी खत्म तो सब कुछ सही होगा सर। सड़कों की बात की जाए वहाँ पर तो कैसी सड़कें हैं वहाँ पर? ठीक है अभी तो बन रही है अच्छी, इतने भी खास नहीं है पर हाँ बन रही है, तो लिंक जो लिंक रोड है वहाँ के लिंक रोड ठीक है बन रही है अभी तो वो बन रही है एकदम। स्कूल वगैरह में शिक्षक वगैरह है वहाँ पर, टीचर वगैरह नहीं है पूरे नहीं है, मैंने दो तीन स्कूलों में देखे हैं, जैसे जो बीएड किए हुए टीचर हैं उनको बुला के और सैलरी बेस पर रखे हुए हैं, बस यही सिस्टम। हेल्थ की व्यवस्था क्या है वहाँ पर, डॉक्टर वगैरह है वहाँ पर पूर्ण हॉस्पिटल में जो बिल्कुल है पूर्ण काम नहीं होता, मैंने खुद ने देखा पूर्ण नहीं होता सर उसमें, वही है आजकल स्कीम में थोड़ी कम कर दी उन्होंने, जो स्वास्थ्य पे जो बीमा मिलता था वो कम कर दिया, तो डॉक्टरों ने इलाज करना भी। आपकी जो नाराजगी है युवाओं की खासतौर रोजगार को लेकर है? बिल्कुल मुद्दे पर कहीं कहीं पिछड़ रही है गवर्नमेंट इस बार बीजेपी। बीजेपी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।